नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कोई भी बात अच्छी लगी हो, या कोई भी आपको राय बतानी हो, या कोई भी सवाल हो, या हमारी कोई भी बात ने आपको कभी प्रेरित किया हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए कई किताबें लॉन्च की है हमारी वेबसाइट पे, तो प्लीज नीचे लिंक पे क्लिक करें और वहां से आप किताबें खरीद सकते हैं। ये सारी किताबें ऑनलाइन हैं, तो आप इन्हें कोई भी स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। तो बिना और समय गवाए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। क्या आपने कभी अपने मन की आवाज सुनी है? क्या कहता है आपका मन? क्यों आप अपने मन की आवाज सुन के अनसुना कर देते हो? मैं पूछता हूं, क्यों? जब आप अपने मन की आवाज सुनोगे तो आपका मन आपकी आवाज सुनने लगेगा। जब आप कोई नई चीज करना चाहते हो या कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो थोड़ा कठिन हो, थोड़ा मुश्किल हो, तो आपको लगने लगता है कि आप नहीं कर सकते, और आप अपने आप पे शक करने लगते हैं, अपने निर्णय पे शक करने लगते हैं, अपने मन पे शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि कहीं आपने अपने मन की बात सुन के, अपने मन की आवाज सुन के कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। आप जैसे ही अपने आप पे शक करेंगे और अपने निर्णय पे शक करेंगे और अपने मन पे शक करेंगे, तो आपका मन कमजोर पड़ने लगेगा, और आप अपने मन को कमजोर पड़ने नहीं दे सकते। आप कोशिश करते रहें, पूरे जोश से, पूरे जुनून से अपना काम करते रहें, अपने आप पे और अपने किसी भी निर्णय पे शक ना करें। आप अपने निश्चय पे दृढ़ रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अपने आप पे, अपने मन पे और अपने निश्चय पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहें। मुझे इस मौके पे श्री रतन टाटा की एक कही हुई बात याद आ रही है, और वो बात कुछ इस तरह है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ निर्णय लेके उन्हें सही करने में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने भी अपने मन की आवाज़ सुन के जो निर्णय लिया है, जो काम शुरू किया है, तो अब हिम्मत मत हारिए। पूरे जोरों और शोरों से काम करते रहें और अपने मन की आवाज़ को और अपने मन की बात को सही साबित करें। आज आपने अपने मन की आवाज़ सुनी है, कल आपका मन आपकी आवाज़ सुनेगा।